लेन फुली लोडेड है, मतलब फुली जिसको कहते हैं ना अनलिमिटेड वाली लोडेड, भाई वो स्वागत नहीं करोगे हमारा। आज जो राइड होने वाली है ना तो भाई लोगों 1100 किलोमीटर। हे भगवान, कोई बात नहीं। सो हेलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जी आज से स्टार्ट होने वाली एक और सीरीज, और भाई लोगों टाइम हो रहा है अभी 2:15, और अभी मेरे पास 10-15 मिनट पहले ही फ़ोन आया था धर्मेंद्र भैया की, उठ जा। तो मैंने बस धर्मेंद्र भैया को ये चीज़ बोला, यार नींद ही नहीं आ रही, मतलब एक्साइटमेंट इतना है कि सीरियसली नींद आ ही नहीं रही। भाई लोगों धर्मेंद्र भैया, युधिष्ठिर भैया सब लोग उठ चुके हैं, तो अभी निकल रहे हैं भाई सीधा सारस के लिए। तो बस थोड़ा ना ठंड वंड ज़्यादा है, तो थोड़ा भी रेडी अच्छे से होना पड़ेगा। अंदर मैंने इनर वार्मर पहन लिया है, तो अभी साथ में ना वार्मर्स वगैरह भी पहन लेता हूँ, उसके बाद फिर साथ में निकलते हैं। तो जल्दी से होने था भाई तैयार, रास्ते में ठंड से लगना नीचे 1% भी डर। तो बस अपन रेडी हैं ठंड से भिड़ने के लिए। आज जो राइड होने वाली है ना तो भाई लोगों 1100 किलोमीटर, थोड़ा सा अजीब लग रहा है 1100 किलोमीटर। यस करेंगे यार, कोई बात नहीं, 24-25 घंटे की जो भी राइड बैठेगी यार, चाहे 26 घंटे भी राइड करनी पड़े तो करेंगे यार। और आज की डेस्टिनेशन जो रहने वाली है वो रहने वाली है भाई सीधा शिरडी। ट्राई तो यही है, होप भी यही है अभी तो घर। तो बस ज़्यादा देर नहीं करते हैं, पहले तो होता हूँ जल्दी से गेट सेट रेडी, इनर वार्मर वगैरह सब कुछ पहन लेते हैं, जैकेट वगैरह राइडिंग गियर्स वगैरह सब फिट होके फिर आपसे मिलता हूँ 2 मिनट के अंदर। आओ जी जल्दी जल्दी कपड़े पहनते पहले तो। सो भाई लोगों जो मैं राइडर वार्मर्स पहनने वाला हूँ वो राइनक्स के पहनने वाला हूँ, इसका भी मैं आपको बताता हूँ जल्दी से, एक मिनट बस इसको पहले पहन लेते हैं। ये भाई जितना हल्का है ना उतना ही ज़्यादा गर्म है, पता नहीं क्या इस कौन सा कपड़ा है इसका, बट लिटरली बहुत ज़्यादा गर्म है। और सेम भाई लोगों ये जो इसका नीचे का पैंट वार्मर है वो भी राइनक्स का ही है, इसके लिए मुझे जुगाड़ करनी पड़ती है। देखो इसमें क्या है ना, एक्चुअली चेन आती है, और ये जो चेन है वो राइनक्स गियर में ही लगती है, अदर में नहीं लग सकती। तो इसका जो मैं जुगाड़ कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ एक्चुअली यार गियर्स जो मैं पहन रहा हूँ वो एल्पाइन स्टार वाले पहन रहा हूँ, और ये जो वार्मर्स पहन रहा हूँ ये मैं पहनने वाला हूँ राइनक्स वाले। राइनक्स में जो चीज़ अच्छी थी ये अच्छी थी, जैकेट उसकी काफ़ी अच्छी है नो डाउट, बट यार बहुत ज़्यादा हार्ड है, आई मीन यू नो पैंट और उसकी वो बहुत ज़्यादा मैशेबल और हार्ड है यार, जो मतलब एक टाइम बाद है ना दुखने लगती है। तो इसलिए मेरे को राइनक्स का वो 1% भी पसंद नहीं आया। जो सेट है वो है स्टेल्थ है वो 3 करके पता नहीं कौन सा है, बट वो लिटरली बहुत गंदा है, मुझे अच्छा नहीं लगा पर्सनली, मुझे वो आई कॉन्ट रिकमेंडेड। और यहाँ ये अपनी आ जाती है भाई एल्पाइन स्टार वाली पैंट। तो ये लो जी भाई लोगों नीचे का तो हो गया है पैंट रेडी, ऊपर से डाल देता हूँ जैकेट, और ऊपर भी क्या डालने वाला हूँ फेस वगैरह भाई ये भी सब कुछ बताता हूँ। तो पहले जल्दी से चलते जैकेट डालते हैं। और ये भाई अपनी एल्पाइन स्टार वाली जैकेट, सबसे बेस्ट आता है भाई, लेवल 2 के गार्ड्स वगैरह आते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी जैकेट है। इसको ना पहनते इसको ना लॉन्ग टर्म तक पहन सकते हो आप, और मतलब इसको पहनने के बाद फील नहीं आता कि आपने राइडिंग जैकेट पहनी हुई है। और राइनक्स वाली जो है ना भाई बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है यार, सीरियसली वो भाई काम देती है नो डाउट, अगर आप हिमाचल में और इस टाइम पे वो वहाँ के लिए काम देगी नो डाउट। मुझे सिर्फ यहाँ से, तो ये लो जी ये भी चढ़ गई है। और भाई लोगों इसका ना यही अच्छा लगता है कि मतलब इसको कितना भी लंबा पहन सकते हो यार, एल्पाइन स्टार इज एल्पाइन स्टार नो डाउट। ये लो जी ये भी अपनी हो चुकी है पैक, पहले अभी तो खोल के रखते हैं यार, क्योंकि ना बाइक में ही मेरे को छोटा मोटा सामान रखना है, लाइक जैसे DSLR रखना है मेरे को, अपने फ़ोन के चार्जर्स वगैरह रखने हैं। तो जल्दी से मिलते हैं अब सीधा बाइक पर, यहाँ से करेंगे आपसे अलविदा, घर पे से अलविदा करके जल्दी से निकलते हैं यहाँ से, और सीधा मिलता हूँ मैं आपको बाइक पर, लेट्स गो। सो फाइनली भाई लोगों निकलने का टाइम हो चुका है, और अभी अपन है हीरादास चौराहे पर, यहाँ पर भरतपुर का बस स्टैंड, और यहाँ से जा रहा हूँ भाई सीधा धर्मेंद्र भैया के पास। युधिष्ठिर भाई साहब पहुँच चुके हैं, युधिष्ठिर भैया और राणा जी जो है अपने बस पहुँचने में ही है 2 मिनट में। तो मैक्स भाई 3:15 हो चुके हैं, 3:30 बजे तक अपन लोग निकल जाएंगे, ग्लव्स वगैरह पहन के फुल ऑन रेडी हैं। तो ज़्यादा मैं कैमरा ऑन कर नहीं पाऊँगा क्योंकि यार ग्लव्स उतारना पड़ता है कैमरा ऑन करने के लिए, सो जितना भी हो पाएगा मैं कवर करने का ट्राई करूँगा। और भाई रास्ता जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा है, आज की रेट जो है भाई आज की जो रनिंग है वो बहुत ज़्यादा लंबी है।
सो भाई लोगों, दिस इज़ युधिष्ठिर भाई साहब, दिस इज़ धर्मेंद्र भैया और आगे खड़े एच एस आर ब्लॉगर। तो अभी निकलने का टाइम हो चुका है भाई, भरतपुर छोड़ रहे हैं, भरतपुर कुछ दिन के लिए छोड़ रहे, एक साल के लिए छोड़ रहे हैं। हे बाबा जी, मेहर करना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना, बस जैसे जा रहे हैं वैसे ही अपना आ जाए प्यार से। फाइनली भाई लोगों निकल चुके हैं और पीछे चल रहा है भाई अपने लाइट हाउस। सीरियसली भाई लोगों, बहुत तगड़ी तगड़ी लाइटें लगी हुई है अपनी बाइकों में, तो अपने को कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और ये भाई पुलिस वाले बैठे हैं सुबह सुबह अपनी ड्यूटी कर रहे हैं बेचारे। हे भगवान जी, मेहर करना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। सो भाई लोगों, ये आ चुका है अपना एजुजोल आगरा वाला रोड। अभी यूपी में चल के पहले पेट्रोल डलवाएंगे, वहाँ से फिर निकल जाएंगे भाई लोगों ग्वालियर वाले रोड पर। तो अंधेरा है तो मुझे नहीं लगता कुछ अच्छे से आ रहा होगा। आप लोग सोच रहे होंगे यार 5 बजे तक इन्होंने बस और 40 किलोमीटर ही कवर करे, तो भाई ऐसा नहीं था। एक्चुअली हम रुके थे यूपी वाले पेट्रोल पंप पे, जहाँ मैं हर बार पेट्रोल डलवाता हूँ, तो वहाँ रुके और पता लगता है कि भैया धर्मेंद्र भैया का पर्स तो घर पर ही रह गया। तो युधिष्ठिर भैया घर जाके उनका पर्स लेके आए, तो वहाँ पे ज़रा एक घंटे से ज़्यादा बर्बाद हो गया। बट अभी अपन हाल वाल रुकने नहीं वाले हैं। तो ये चल रहा है भाई आगरा वाला हाईवे, यहाँ से बस आगे मैक्स टू मैक्स 3 या 4 या 5 किलोमीटर, उसके बाद वहाँ से हाईवे चढ़ेगा भाई मध्य प्रदेश वाला। तो वहाँ से अपन हो जाएंगे राइट और सीधा भाई मध्य प्रदेश वाले हाईवे पर चढ़ जाएंगे, इंदौर भोपाल वाले पर। सो फाइनली भाई लोगों, आ चुके हैं अपन मध्य प्रदेश वाले रोड पर, हाईवे पर। अभी यार इसकी क्लच में आई थी प्रॉब्लम, मैंने एक्चुअली इसमें इजी क्लच लगवाई हुई है, तो हाल वाल अपने तो हाथ में बैठेगी नहीं। तो आगे अभी मतलब जुगाड़ पानी कर दिया मैंने, इसमें मतलब लाइक अच्छा चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं देगी। बट आगे यार किसी मैकेनिक पर उसको सेट करवाना पड़ेगा, अपन नहीं चाहते कि अपनी राइड पर कोई प्रॉब्लम आए। तो बस आगे कहीं भी मैकेनिक मिलेगा 8-10 बजे तक, तो वहाँ उसको सेट वेट करवा के फिर निकलेंगे अपना आगे। तो चलो जी, बाकी रोड ट्रिप बहुत सेक्सी जा रहा है, मज़ा आ रहा है रोड ट्रिप पर। सो भाई लोगों, अभी अपन पहुँच चुके हैं जी डायरेक्टली ग्वालियर, और यहाँ पर अपन ने पी थी भाई चाय, क्योंकि यहाँ सुबह सुबह में यार आग वाग लगा रखी थी, और सुबह में ना भाई इतनी ठंड हो रखी थी जिसकी कोई हद नहीं है। तो बस ग्वालियर से निकल रहे हैं, अब यहाँ से 120 किलोमीटर बाद एक जगह बता रहे हैं भैया कोई शिवपुरी, तो वहीं रुकेंगे और वहाँ ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर सीधा निकलेंगे यार इंदौर, और इंदौर में करेंगे अपन लंच एंड डायरेक्टली फिर यहाँ से सीधा इंदौर से सीधा शिरडी। तो आज जो अपना स्टे होने वाला है भाई शिरडी होने वाला है, तो जल्दी से अब ग्लव्स वगैरह पहन लेते हैं और टाइम से निकलते हैं, निकला जाए यहाँ से, क्योंकि अब टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि रन जो है वो काफ़ी लंबा है अपना। जय माता की, बाबा जी मेहर करना, बस सारा ट्रिप अच्छे से करवाना, क्योंकि आपका ये आशीर्वाद चाहिए। ओहो क्या ठंड है भाई, अलग लेवल। थोड़ा बस सूरज मामा टाइम से आ जाए तो मज़ा सा आ जाएगा, गर्मी में सूरज मामा नीचे ना करो जब अपन राइड पे निकले, सर्दियों में आप टाइम से ऊपर आ जाए करो। पीछे बजर इतना ज़्यादा हो गया है, तो ये हैंडल देखो कैसे फड़फड़ा रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इवन मेरे ही नहीं, सबका ऐसे से ऊपर नीचे होता है, क्योंकि यार पीछे जो है ना वजन ज़्यादा हो गया है, और आगे में जो वेट है वो सिर्फ इंजन का वेट है और मेरा ही वेट है। अभी आ चुके हैं अपन इंदौर वाले हाईवे पर, इंदौर है यहाँ से अभी वही 500 किलोमीटर अराउंड, तो मोस्ट प्रोबेबली अभी बज रहे हैं भाई 8, तो अपन 3-4 बजे के आसपास इंदौर पहुँच जाएंगे भाई लोगों। तो जहाँ तक है लंच का वहीं पर सोचा है, अगर उससे पहले कुछ होता है तो भाई पहले कर लेंगे, बाकी मन तो इंदौर में करने गई है। और टाइम का और ट्रैफिक का कुछ भी नहीं पता, जहाँ ऊपर वाले ने अपनी रोटी लिख के भेजी है भाई वहीं होनी है। सो बाकी भाई राइड बहुत अच्छी चल रही है, मज़ा आ रहा है राइड पर। और जो मध्य प्रदेश के रोड है ना भाई, वो बहुत अच्छे हैं, मतलब खाली खाली रोड है, मतलब कोई रोड टेंशन वाली बात नहीं है भाई, आराम से बाइक 100 पे क्रूजिंग कर सकते हो आप, और मैं खुद अभी भी 100 पे क्रूजिंग कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। फुल ऑन मज़ा आ रहा है भाई लोगों, फुल ऑन मज़ा, मस्ती मस्ती मस्ती। साथ में भाई जो सेना का मेरा 50S है, वो मेरा बहुत साथ दे रहा है, सॉन्ग्स वगैरह कॉलिंग वगैरह में, और साथ में इंटरकॉमिंग करने में बहुत मज़ा आ रहा है। तो मतलब राइड जो है वो बहुत एक नंबर जा रही है, फर्स्ट क्लास।
धर्मेंद्र भी और युधिष्ठर भी एक साथ हैं, मैं और एच एस आर एक साथ हैं, तो मैं और एच एस आर भाई आराम से इस खाली रोड पे 6 लेन हाईवे पे क्रूज कंट्रोल लगा के फुल ऑन मस्ती में चल रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है इस राइड पे, सीरियसली बोल रहा हूँ, इतना मज़ा मैंने आज से पहले कभी नहीं लिया लिया है। बट यार देखो टाइम टाइम से बात है, अभी काफ़ी टाइम बाद निकलूँ ना तो एक्साइटमेंट लेवल जो है वो बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है। तो एच एस आर भाई थोड़ा पीछे है मेरे और वो भी क्रूज कंट्रोल के मज़े ले रहे हैं, मैं भी आराम से मज़े ले रहा हूँ। मैं काफ़ी टाइम से ले रहा था तो एच एस आर भाई ने सोचा कि भाई क्रूज कंट्रोल लगाए हुए तो उसको यूज़ ही ले लो, तो पाजी ने भी अब यूज़ में ले लिया है। सो हमें कोई भी जल्दी नहीं है कि शिरडी कब आएगा कब नहीं आएगा, अभी तक तो बड़ा मज़ा आ रहा है, बाकी बात का कुछ पता नहीं भाई लोगों, क्योंकि बाइक तो आज पूरे दिन ही चलानी है अपने को, तो दिक्कत है नहीं, आराम से मस्ती मारते हुए चलेंगे। सो भाई लोगों अभी रुक गए थे थोड़ा सा ड्रोन शॉट्स वगैरह लेने के लिए, ड्रोन शॉट्स ले लिए। सो गुड सो फार, 250 किलोमीटर बाइक चल चुकी है नो डाउट, और अभी आने वाला है भाई शिवपुरी आफ्टर 40 किलोमीटर्स। सो वहीं पर रुक के अपन ब्रेकफास्ट करने वाले हैं, तो ब्रेकफास्ट डेस्टिनेशन जो है भाई वो है अपनी। सो हेलो जी, पहुंच चुके हैं फाइनली शिवपुरी बाईपास पर। बाईपास पर अपने को एक मिला था रेस्टोरेंट, क्या नाम है भैया? ब्रज होटल। ब्रज होटल के नाम से इनका भाई रेस्टोरेंट है। तो अभी ब्रेकफास्ट अपन ने ऑर्डर किया हुआ है पुलाव और आलू प्याज के पराठे, और भाई बहुत टाइमली पहुंच गए थे। और अभी अपन ने बाइक राइड कर चुके हैं 270 किलोमीटर, और अभी भी भाई करीबन 750 किलोमीटर और चलना है, तो होप करता हूँ रात को 12 बजे से पहले पहले पहुँच जाएंगे। ट्राई करेंगे जितना हो सकेगा उतना कवर करेंगे, और यहाँ अपनी बाइक पार्क हो चुकी हैं। ये युधिष्ठर भैया की बाइक है, ये अपने एच एस आर ब्लॉगर भैया की बाइक, और यहाँ अपनी रानी, और ये धर्मेंद्र भैया। क्या कर रहे हो धर्मेंद्र भैया? सेटिंग। कौन सी सेटिंग? इधर से बताओ भाभी को की सेटिंग चल रही है। नहीं फोन करूँ भाभी को? है फोन करूँ भाभी को? हाँ भाभी से कह देना पैनियर की सेटिंग चल रही है आगे। नहीं 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 नहीं, बात मत पलटो आप, बात मत पलटो, जल्दी बताओ इधर देख के। हाँ सेटिंग चल रही है, सेटिंग ठीक है, बस इतना ही सुनना था हमें। और अब आप देखना आपके साथ क्या होगा, किसकी सेटिंग कहाँ कैसे होगी। आप कुछ करना चाह रहे हो सेटिंग वेटिंग? नहीं मेरी नहीं चाहिए मत, है 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 नहीं चाहिए, ऑलरेडी हो चुकी है, ऑलरेडी हो चुकी है। हाय दिस प्रिया, हमारी सेटिंग घर बैठी है, तुम्हारी सेटिंग जरूर मेरे पास है, हमारी सेटिंग घर बैठी है, हेलमेट ड्रॉप आओ। हेलो क्यों मतलब डर क्यों रहे हो? नहीं डर ना ना, मेरी हमारी सेटिंग घर बैठी है, किससे बात कर रही हो? तुम्हारी सेटिंग मेरे पास है। हेलो मेरे से तो बात नहीं हुई भाई साहब, कल रात से बहुत ज्यादा भूख लग रही है, क्यों? क्योंकि कल एक्साइटमेंट इतना था यार, रात को खाना ही नहीं खाया, और उस एक्साइटमेंट चक्कर में अभी तक भूखे हैं, और अभी बच चुके हैं भाई सुबह के 10:30 या 10, आई डोंट नो कंफर्म नहीं है, अभी मैं चेक करूंगा टाइम। सो अभी अपन शिवपुरी बाईपास पे हैं, 270 किलोमीटर कर चुके हैं कम्प्लीट, होपफुली जो बचा कुछ है वो भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें, बस वेट हो रहा है भाई आलू पराठा और पुलाव का, एक बार से वो आ जाए तो खा पी के बस निकलते हैं। और ये अपना भाई हेलमेट, अभी अभी मैंने बस इसमें वाइजर चेंज किया है, मिलते हैं फिर आपको आपसे डायरेक्टली रोड पर। सो फाइनली भाई लोगों ब्रेकफास्ट हो गया है अच्छे से, पेट गया है फुल फुल, और आ रही है भाई नींद, बट सो नहीं सकते, क्रूज कंट्रोल पर बाइक सेट है, और अभी इससे भाई रील बनाई थी ऊपर करके, भाई अभी कुछ नहीं पता कैसी रील बनी कैसी नहीं बनी,
बट रात को अगर टाइमली पहुंच जाता हूं तो इसको एडिट करके आज ही इस रील को डाल दूंगा। सो प्लीज़ इसकी रील बना के और इंस्टाग्राम पर डाल दूंगा। तो इंस्टाग्राम पर भाई लोगों फॉलो कर लेना मेरा जो भी स्टोरीज अपडेट वगैरह जो भी रहता है और रील्स वगैरह जो है सारा कुछ वो मेरा इंस्टाग्राम पर रहता है भाई लोगों, तो वहाँ भी जाके फॉलो कर लेना। और भाई राइड का जो सीरियसली मज़ा आ रहा है ना वो बहुत अमेजिंग है। ब्रेकफास्ट के बाद ना भाई नॉन स्टॉप आए हैं और अभी बच्चों का एक तो मैंने डेढ़ अपन ने एक घंटे में ना भाई 75 किलोमीटर कवर कर लिए हैं। सो गुड सो फार। तो अभी यहाँ से दोबारा से निकल रहे हैं, मैं और हरेंद्र भी आगे चल रहे हैं और धर्मेंद्र भी और युधिष्ठर भी साथ में आ रहे हैं। तो निकल चुके हैं अपन दोबारा से और होप करता हूँ कि नेक्स्ट स्टॉप अपन फिर से 175 किलोमीटर के बाद ही लेंगे।